हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी का मैथ्स का मॉक टेस्ट। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया है। जो शिफ्ट 1/12/2021 को शिफ्ट 3 का जो पेपर था उसी को हम सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं। यानी सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, डिजिट चेंज हो जाती हैं। आप ये अच्छे से जानते हैं, एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और मैंने एसएससी सीजीएल 2020 का Tier 3 क्वालिफाई किया है और अभी सीजीएल 2021 का Tier 2 भी क्वालिफाई किया है, और आगे आप जानते हैं उनके रिजल्ट आने बाकी हैं। तो मेरे पास में मैथ्स का एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जो भी है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उससे आपकी मदद की जाए और आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको मैं फुल मार्क्स स्कोर करा सकूं। फुल मार्क्स, और वो भी स्पीड के साथ आप सॉल्यूशन करें, ऐसे नहीं धीरे धीरे या फिर आप बहुत स्लो स्पीड से सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं फास्टेस्ट मेथड बताऊँगा जो मैं सीजीएल का मेंस करते वक्त यूज करता हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यानी बाकी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं पहले ही, तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन है और मैं वीडियो छोटी बना रहा हूं जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। आप अगर बोलते हैं तो मैं लंबी वीडियो भी बना सकता हूं बहुत जल्द, 1-1 घंटे की या 2-2 घंटे की, पर आप जैसे ही चाहते हैं, जैसी वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, मैं वैसी आपको कंटेंट दूंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं 11। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि मोहन के द्वारा कितने दिन में कार्य किया जाता है? 15 दिन में। जबकि दिया गया है कि मोहन की जो एफिशिएंसी है वो 150 यानी 50 गुना ज़्यादा है। किससे? रमेश से। किससे ज़्यादा है? रमेश से। तो उसकी कितनी हो जाएगी? देखिए 150 गुना हो जाएगी ना, यानी 50% ज़्यादा है। देखिए 50% का फ्रैक्शन बनाते हैं हम। 50% का फ्रैक्शन बनाओगे आप तो क्या होगा? 50/100, यानी ये हो जाएगा 1/2। और 1/2 का मतलब है एक ज़्यादा है। किसकी? मोहन की। किससे? रमेश से। तो मोहन की एक ज़्यादा है, यानी मोहन की एफिशिएंसी 3 है, तो रमेश की कितनी है? 2। इस तरह से आप समझ आ गए होगा, ठीक है, मोहन और रमेश। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो ऐसे मान सकते हैं कि मोहन की जो भी एफिशिएंसी है वो 150 हो जाएगी, यानी उसकी अगर 100 है तो, अगर मान लीजिए रमेश की अगर 100 है तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 150। तो यहाँ से आप यहाँ से भी रेशियो निकाल सकते हैं, सेम ही रहेगा। तो रेशियो क्या आने वाला? 3:2। तो इनकी दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो ये आ चुका है, और आपको बताना है अब कि अगर अकेला मोहन कार्य करता है तो कितने दिन में पूरा कर देगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर एफिशिएंसी को मैं जितने दिन में किसी काम को किया है उससे गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा ना। देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा? मोहन जो है और रमेश दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 3 और 2, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे कितनी है? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? टोटल वर्क। अभी टोटल वर्क को आपको किससे कराना है? केवल अकेले मोहन से कराना है। तो मोहन की एफिशिएंसी क्या है? 3। तो 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 3×5 = 15 और 5×5 = 25। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर आपको अगर कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी है तो आप जो डिफरेंट न्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं उनको भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं वो सब क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बाद अगर आप बोलते हैं तो टॉपिक वाइज में हार्ड क्वेश्चंस, एवरी टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। क्वेश्चन है देखिए 9,500 की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपको जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है 9,500। कितना है? 9,500। इस पर आपको 2 वर्षों में ब्याज निकालना है, कितना होगा? चक्रवृद्धि। और 8% आपको वार्षिक दर दी है। कितनी दी है? 8%। आप जानते हैं वार्षिक दी है पर आपसे अर्धवार्षिक पूछा है, अर्धवार्षिक ब्याज क्या होगा? तो अर्धवार्षिक दर कितनी हो जाएगी? आधी कर देंगे इसको, 4%। अब 4% आपको ब्याज लगाना है कितने साल तक? 4 साल तक। तो इसके आपके अलग अलग मेथड हो सकते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ओके तो देखिए आप इसी में ये भी कर सकते हैं कि चार बार आप लगाएं, इसको ट्री मेथड यूज करें, 4-4% निकालेंगे तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आराम से। देखिए कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। देखिए 4% इसका निकालेंगे, 4×5 20 का 0, हाथ से लगे 2, 4×9 36 और 2 38 हो जाएगा, 380 यहाँ पर आएगा। हर बार में आप 4% ही निकालेंगे तो 380 आएगा। ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट जो हर साल रहता है, पर आप जब ट्री मेथड यूज करते हैं तो आप ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं, यानी सबसे पहले 338 पर ब्याज मिलेगा कितना, 4%। आप 4% यहाँ से निकालेंगे, यहाँ आएगा कुछ, फिर इस वाले पर आप ब्याज निकालेंगे, यहाँ पर आएगा, फिर इस पर भी आप ब्याज निकालेंगे, यहाँ आएगा, फिर इस पर भी ब्याज निकालेंगे, आप यहाँ आएगा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में इस पर भी ब्याज निकालेंगे कितना, 4%। तो 4% कुछ यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद आप इस पर निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जो भी है देखिए मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ बस कैसे करना है, पर आप ऐसे करेंगे नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसलिए मैं आपको ये मेथड नहीं बता रहा हूँ। समझ रहे हो आप, जो भी ब्याज मिला है सभी ब्याज पर भी आपको ब्याज लेना है, तो इस तरह से टोटल आप इसको ऐड करेंगे तो आपका ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, पर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है ताकि आपका टाइम बचे और आप जल्दी से कर पाएँ। तो इसको आपको करना है कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपको पता है 4% आपको ब्याज लगाना है, कितनी बार, 4 बार। तो आप एक सक्सेसिव जो परसेंटेज इंक्रीज होता है किसी भी नंबर में वो जानते होंगे, क्योंकि ये सक्सेसिव ही होता है आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज ही होता है, यानी पहले साल 4% बढ़ गया, फिर बड़े हुए पर फिर 4% लगेगा। तो आप ये जानते होंगे अगर A% का इंक्रीज होता है किसी नंबर में प्लस B% का फिर से इंक्रीज होता है, तो उसमें टोटल जो इंक्रीज होगा वो हो जाएगा A/B/100। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं है, केवल प्लस लगेगा यहाँ पर, ये हटा दीजिए। ये केवल क्या हो जाएगा, देखिए इंक्रीज हो रहा है तो ये इस तरह से होता है। अगर हो सकता है कभी इंक्रीज हो रहा हो और किसी नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप इस मेथड को यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, पर ये एक डिफरेंट मेथड है कि जिसमें सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। और 4 बार होगा तो कैसे करेंगे देखिए वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अगर देखिए ए जो है वो इंक्रीज होता है और B डिक्रीज होता है, तो आप इस तरह से इसको यूज करेंगे, A × B। कुछ नहीं है, सिंपली B + B की जगह -B रख दिया है, और दोनों ही डिक्रीज हैं तो A - B, और यहाँ पर आता है +A × B, क्योंकि मैंने आपका +A की जगह -A रखा और -B ही रख दिया मैंने +B की जगह, तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 मेथड आप यूज कर सकते हैं जब भी सक्सेसिव की बात करेगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे देखिए मैं बताता हूँ। आपको 4% लगाना है, कितनी बार, 4 बार। तो 4%, यहाँ पर भी 4%, और फिर 4% लगाना है, फिर 4% लगाना है। तो इन दोनों का आप सक्सेसिव निकालेंगे, कितना आएगा, 4 + 4 प्लस में 4×4 = 16, यानी गुणा कर देंगे / 100, तो ये आएगा 8.16। ऐसे ही देखिए इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो फिर भी ये भी आएगा 8.16%। ये 2% आ चुके हैं, अब इन दोनों का सक्सेसिव निकाल सकते हैं आप। तो इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आएगा, 16.32। ये ऐड कर दिया मैंने दोनों को, ये दोनों को ऐड कर दिया प्लस में, यहाँ पर 8.16 मल्टीप्लाई करेंगे आप 8.16 से, अपॉन 100 से आप भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है थोड़ा सा। अप्रोक्सीमेशन आप कैसे लगाएंगे देखिए, आप कुछ इस तरह से लगाएंगे। 8 की देखिए 16.32 आ चुका है, प्लस में ये लगाना है, तो आप जानते हैं केवल 8-8 की गुणा कर लीजिए, 8×2 = 64 आएगा, यानी 8×8 = 64, और 64 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.64 आएगा। ठीक है, समथिंग समथिंग और कुछ भी आना था, पर मैं पूरा नहीं ले रहा, केवल इतना लेता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 0.16 की भी होगी पूरी तरीके से, तो समथिंग आएगा। तो मैंने ले लिया केवल 0.64, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 17% के करीब आ रहा है ना, 17% के करीब। तो 17% आप निकालेंगे कितने का, 9500 का। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन इतना अच्छा काम करेगा कि आपको बहुत टाइम बचा देगा। 17% निकालेंगे अपन में 100, तो यहाँ से 2 0 खत्म, और यहाँ से 17×5 = 85 का 5, हाँ से लगे 8, और 17×9 = 153, और 8 153 और 8 हो जाएगा 161। तो ये लगभग कितना आ गया, 1615। तो देखिए 1615 के आसपास मुझे लगता है यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, तो आप इस तरह का अप्रोच लगाएं। हर एक मेथड काम नहीं करता आपका हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। प्रत्येक क्वेश्चन में हमको अलग मेथड लगाना होता है और जो वहाँ पर फिट बैठता है, यानी वो टाइम हमारा बचाता है। तो यहाँ पर मैंने ये लगाया, कहीं पर मैं रेशियो लगाऊंगा तो कहीं पर कुछ और लगाऊंगा, पर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग अलग मेथड में यूज करूँगा सोल्व करने के लिए। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है एसएससी के किसी भी एग्जाम में। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु कितने पर बेची, ये बताना है। देखिए, ये आए हुए क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बनाए हैं। कभी आप सोचें कि ये इजी क्वेश्चन कैसे बना के आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ, नहीं जी, ये आपके एग्जाम में ही पूछे हुए क्वेश्चन है। आप जाके देख सकते हैं, सेम शिफ्ट जो मैंने थंबनेल पर भी लिखी है उसमें है। तो अंकित मूल्य कितना है, 400 रुपये। इस पर पहले 25% छूट देता है, फिर 15%। अभी मैंने बताया था अगर छूट दे रहा तो -25 कर देंगे और सक्सेसिव निकालेंगे इसमें, फिर 15 करेंगे तो -15 करेंगे यहाँ पर, और माइनस नहीं, अब की बार प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों ही माइनस हैं। तो 25 की गुणा 15 से करेंगे तो 15×5 = 75 का 5 हाँसी लगे 7, 15×3 7×37, तो आपको उनमें 700। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 20, 30, 40। 40 माइनस का है, प्लस करना है आपको 3.75। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा। अभी आपको इतना घटाना है, यानी छूट कितनी मिलेगी हमारे लिए, छूट मिल जाएगी 36.25 की। ठीक है, इतने की मिल जाएगी, 36.25 की छूट मिल गई है हमें। तो हमने बेचा कितने परसेंट पर है, इतने परसेंट की हमें छूट मिल गई है। तो कितने परसेंट पर बेचा है, अभी मैं कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो कितना हो जाएगा, 63.75% पर आपने बेचा है इसको। 63.75% निकालेंगे आप 400 का, गुणा करेंगे। देखिए, परसेंटेज को यहाँ से हटा देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, और 4 से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4×5 = 20 का 0, हाँ से लगे 2, 4×7 = 28, 2, 30 का 0, हाँ से लगे 3, 4×3 = 12, 3, 15 का 5, हाँ से लगा 1, 4×6 = 24 और 1 25। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट के बाद, तो आपका आंसर हो जाएगा 255, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए, कितने आसानी से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन सोल्व किया, और हमने देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का भी सोल्व किया, यानी डिस्काउंट का। ओके, तो एक मेथड है पर यूज अलग अलग जगह हो सकता है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके घनों का योग इतना है। सिंपल है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और घनों का योग इतना दे रखा है, इन संख्याओं का योग क्या है ये बता दीजिए। तो सिंपली क्या है, देखिए ये 3x हो जाएगा। मैंने मान लिया कोई एक x था जो कटा था इसमें से, यानी जो डिवाइड कर रहे थे, जब अनुपात बना रहे थे तो x था जो कटा था इनमें से, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 था। तो अब इन दोनों का क्या करना है, घन करना है और उसको योग करना है। तो ये किसके बराबर है, 728 के। ठीक है, तो ये इनका घन 728 के बराबर है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 27x³ और यहाँ पर हो जाएगा 64x³। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 7×4 = 11 का 1, 91x³, यानी 91x³ की वैल्यू है जी 728। ठीक है, तो यहाँ से आप 91 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी x³ की वैल्यू निकालेंगे आप। तो ये हो जाएगा 728 / 91, 972, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 6, मैंने x की जगह पर 2 आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हो गया 8। तो इन संख्याओं का योग बताना था, 8 से 14, तो संख्याएं हो गई 14। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई, उसके बाद 15% की कमी की गई, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन कितना था। 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, सेम एक ही कॉन्सेप्ट लगाया है और एक ही शिफ्ट के अंदर आ गए हैं। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए। तो 15% की वृद्धि की, फिर बाद में कमी कर दी, तो मैं लगाता हूँ सक्सेसिव वाला, 15 - 15, फिर यहाँ पर हो जाएगा -15 × 15 / 100। आप जानते हैं ये कट जाएंगे तो माइनस कितनी क्या हो जाएगी, माइनस क्या बताता है, कमी हो गई है कितने की, 2.25 की। तो 2.25 की वृद्धि नहीं, 2.25 की कमी हो गई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात इतना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उनके आयतन का अनुपात बताना है। देखिए, जब इस तरह का मेंसुरेशन में अनुपात वाला क्वेश्चन आए तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कौन कौन सी टर्म इसमें यूज हो रही है, यानी फॉर्मूला क्या है हमारा, बस फॉर्मूले का हमको अनुपात बनाना होता है। तो दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात और उनकी त्रिज्या का अनुपात इतना इतना दे रखा है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, यही होता ना। ये मान लीजिए शंकु नंबर फर्स्ट का है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 1/3 πr²h², यही आने वाला है। तो आपको पता है ये तो कट ही जाने। तो अब जो है ना आपको पता है जब भी अनुपात दिया होता है तो इन चीजों पर डिपेंड करता है केवल, यानी R1/R2 का होल स्क्वायर पर, किस पर, R1/R2 के होल स्क्वायर पर और H1/H2 पर, इनकी मल्टीप्लाई पर, इस पर ही तो डिपेंड करता है। तो आपको यही करना था बस। तो देखिए अनुपात कैसे हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2, तो क्या हो जाएगा 1/4, और आपको गुणा करना है किससे, 2/1 से। तो रेशियो क्या आ जाएगा अनुपात का, 1/2, 2 से 2 बार कट जाएगा, तो रेशियो क्या हो गया 1:2। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। ये बोल रहा है कि मिश्र धातु A का 40 किलोग्राम मिश्र धातु B के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु A में लेड और टिन का अनुपात इतना है, मिश्र धातु B में टिन और तांबे का अनुपात, किसका दे रखा है, टिन और तांबे का अनुपात इतना है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा बतानी है कितना है। तो देखिए आपको कितना आसान दे रखा है। ए धातु जो है उसके अंदर क्या है, वो 40 किलोग्राम की है, उसके अंदर है लेड और आपका टिन, वो है 2:3 में। और बी धातु है उसके अंदर है आपकी 63 किलोग्राम धातु है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है टिन और तांबा बना देते हैं, कितना है 2:5 में। तो आपसे पूछा कि टिन क्या होगी, दोनों को मिला दे तो टिन यहाँ से देखिए यहाँ से कितनी आएगी, 2:3 में है। तो आप जानते हैं यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, टोटल 40। तो टिन की वैल्यू बतानी है आपको, 3 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 8, मैंने 5 से भाग कर दिया, 5×8=40, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 8×3=24, तो 3 आ गया यहाँ से 24 किलोग्राम। तो पहले वाला जो आपका ए धातु थी मिश्र धातु, उसके अंदर तो 24 किलोग्राम निकला टिन, और बी धातु के अंदर टिन कितना निकला 5×2=7, 7 की वैल्यू है 63, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 9, और आपसे पूछिए 2 की वैल्यू, यानी 2 की वैल्यू हो जाएगी 18, तो 18 किलोग्राम टिन यहाँ से मिलेगा हमारे लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा टिन, इसको जोड़ देंगे 18 और 24 को, तो 8×4=12, कैरी करेंगे 1, आपका ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, यानी 42 किलोग्राम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 42 किलोग्राम। ओके, तो अभी आपको समझ आया होगा, ये थोड़ा सा छुप गया था, आप देख सकते हैं आप अच्छे से। 7 की वैल्यू 63, 1 की वैल्यू 9, तो 2 की वैल्यू 18। तो कितने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप मेरा साथ दें, थोड़ा सा साथ, यानी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैं ऑफलाइन जो आप कोचिंग कर रहे होंगे उससे भी बेहतर कंटेंट दे सकता हूँ, और आपको एग्जाम तक अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 आपके सही हो जाएंगे, यानी 50/50 मार्क्स आपके मैं स्कोर करा सकता हूँ, या फिर अगर 25/25, क्योंकि देखिए 50/50 में मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे CGL में 25 क्वेश्चन आते हैं, वो 50 नंबर के होते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि GD में कितने नंबर के और कितने क्वेश्चन होते हैं। ओके, मुझे लगता है 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के, उसमें डबल नहीं होते। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो वो भी बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।